हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैशटैग जिंदगी। और आप देख सकते हो कि ये क्या, ये तो हम रात में कहीं घूमने जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, ये रात नहीं है, ये अर्ली मॉर्निंग है। और हाँ, हमें अर्ली मॉर्निंग पे जाना था कुछ ऑफिशियल वर्क से साउथ लंदन में, और हमें वहाँ पे 10 o'clock पहुँचना था, तो इसलिए हम अर्ली मॉर्निंग निकले थे। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं व्लॉग करती हूँ जहाँ मैं आपके साथ डे स्पेंड करती हूँ लंदन में। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए हैशटैग जिंदगी। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को टैप करिए। सो फ्रेंड्स, हम बहुत अर्ली मॉर्निंग निकले थे उस दिन घर पे अराउंड 6:30, क्योंकि बहुत ही रेनी था उस दिन। सो हमें टाइम भी लगा, ये हमारे घर से 2 hours डिस्टेंस पे था, और लेकिन हमें पहुँचते पहुँचते 3 hours लगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि हमें जाना था क्रॉयडन, और क्रॉयडन साउथ लंदन में आता है, बहुत ही पॉश लंदन में आता है, कमर्शियल लंदन है ये। यहाँ पे मतलब आप बोल सकते हो कि मिड ऑफ लंदन बोल सकते हो, जहाँ पे हम रहते हैं वो थोड़ा टाउन में आता है, तो बहुत फैसिलिटीज़ नहीं है। बट जैसे बोलते हैं ना कि इंडिया में दिल्ली है, वैसे ही यहाँ पे पूरे इंग्लैंड में साउथ लंदन है, जो कि आपका सेंट्रल है। सो हमारा ऑफिशियल वर्क था ख़त्म हो चुका था, हम पहुँच चुके थे एक पास के मॉल में, तो हमने थोड़ा सा घूमा। और आप देख सकते हो ये रोड्स कैसी है, बहुत ज़्यादा रेन थी, फुल रेन थी फुल टाइम, पूरी आप वेट रोड देख सकते हो। और जो हमारा ऑफिस था, और हमारे उस ऑफिस के सामने में ही एक मॉल था, तो उस मॉल पे जाने के लिए हमें एक नीचे से अंडरग्राउंड सबवे दे रखा था। तो लाइक आप जब इन सब जगह पे जाओगे तो आप कंफ्यूज जाओगे कि बाप रे कहाँ पे जाना है, बिकॉज बहुत सारे वेज होते हैं। इवन आई वॉज लॉस्ट वन टाइम कि मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे किधर जाना है, और मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली वो एक कार में थे और मैं अकेले ही शॉपिंग कर रही थी, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो फाइनली मुझे हेल्प लेनी पड़ गई पहुंचने के लिए पार्किंग तक। सो वहाँ पे जब हमारा काम ख़त्म हो गया ऑफिशियल, तो फिर हमें भूख लग गई थी, अराउंड 12 o'clock हो चुका था। सो हमने डिसाइड किया कि हम कुछ खाने के लिए चलते हैं, और वहाँ पे की जो टाउन मार्केट थी, हम बस उस तरफ निकल गए कि हमें कुछ खाने का पॉइंट मिल जाएगा। फिर हमने गूगल सर्च किया, तो हमें पता चला कि यहाँ पे हमारे लिए इंडियन साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, जिसका नाम है सरवना भवन, जो कि बहुत ही फेमस चेन है लंदन में, आपको हर जगह मिल जाएगी, नॉट इवन लंदन, आपको पूरी इंग्लैंड यूके में मिल जाएगी। और आप एक ख़ास बात देख सकते हो, ये ट्रेन जिसे हम ट्रैम बोलते हैं, और ये साउथ लंदन में चलती है ट्रैम्स, और इसका जो रूट होता है वो विंबलडन टू क्रॉयडन तक होता है। और आप ये देख सकते हो कि सरवना भवन, ये हमारा सरवना भवन आ चुका है, और बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, सो बस हम पहुँच चुके हैं। सो यहाँ पे जाके तो बस हमें अपने देश की याद आ जाती है, हम देसी लोग, तो हमें अपना खाना, अपना फूड, और यहाँ पे आपको सारे लोग जो मिलेंगे वो अपनी इंडियन लैंग्वेज में बात करते हुए दिखाई पड़ेंगे। और आप यहाँ पे आप स्वीट्स एंड स्नैक्स और जो भी कुछ आप खाना चाहते हो वो सब इंडियन फॉर्म में ही मिलेगा, देख सकते हो मेन्यू भी, ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी अपने भारत के देश में बैठ के वहाँ का मेन्यू पढ़ रहे हो ना, सो हमें वैसे ही फील आता है। तो ये देखिए आप, ये हम तिरुपति बालाजी एंड लाइक साउथ इंडियन गॉड की फ़ोटो लगी हुई है पूरी प्रॉपर, जो वहाँ का डेकोर होता है वो भी पूरा इंडियन फॉर्म में था। और आप ये देख सकते हो कि मिठाइयाँ भी हैं, ये बहुत थोड़ी मिठाइयाँ हैं, बिकॉज ये बेसिकली इंडियन स्वीट शॉप नहीं है, बट हाँ बेसिक स्वीट्स है। और ये हमारा आ चुका है मसाला डोसा, ओ ओ ओ, सो मुझे तो अभी भी भूख लग रही है यार, कितना मज़े किए थे, और ये बहुत ही क्रिस्पी यमी था, और ये आई थिंक चीज़ मसाला डोसा था मे बी, और ये मेरी बेटी का था, आई थिंक पेपर डोसा था, और मेरे हस्बैंड ने बहुत ही घटिया चॉइस करी थी उनका रवा डोसा था, और वो इतना मतलब टेस्टी नहीं था, थोड़ा सा आई डोंट नो। और ये देखिए ये क्या स्पेशल डिज़र्ट है, इसे बोलते हैं केसरिया भात, और ये मैंने बैंगलोर में बहुत खाया है, और ये मेरा फेवरेट था, इसलिए लास्ट में मैंने ये एज अ डेजर्ट मंगाया, बट किसी ने नहीं खाया, सिर्फ मैंने खाया। और ये आपको स्पेशल जगह लेके आती हूँ मैं, प्राइमार्क है, ये प्राइमार्क की चेन है, ये पूरे इंग्लैंड पूरे यूके में फेमस है, और यहाँ पे आपको फैशन एंड हाउस आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और
ख़ास बात है कि यहाँ पे जो स्टफ्स होते हैं वो थोड़ा चीपर होते हैं और जगह से, लेकिन आपको सारी एसेसरीज़ मिल जाएगी और जितना भी एडवांस फैशन का स्टफ़ है वो सब कुछ मिलेगा, इंक्लूडिंग क्लोथ्स, अपरल्स, कॉस्मेटिक, ज्वेलरीज, सब कुछ मिलेगा आपको। और यहाँ पे जाके दिल ऐसा खुश हो जाता है ना कि ना पूछो। और अगर कहीं प्राइमार्क है तो मैं, मुझे वहाँ जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए। मेरे हस्बैंड लाइक इरिटेट हो जाता है कि वो कि आप तुम क्यों जा रही हो, क्यों जा रही हो वहाँ पे, बट मुझे तो वो जाना ही है चाहे मैं कुछ भी लेके ना हो, बट इट्स लाइक आई टॉनिक फॉर मी। आपको पता ही है सारी लड़कियों को तो लाइक अगर वो डिप्रेस है तो बस उन्हें एक शॉपिंग की घुमा दो, बस कुछ दिलाओ भी मत, तो वो हैप्पी हो जाते हैं। सो मेरा भी यही केस है, यू नो आई एम अ नॉर्मल पर्सन लाइक नॉर्मल गर्ल। सो आप देख सकते हो मैंने ज़्यादा कुछ लिया नहीं बिकॉज इतना नीड नहीं था, बट मैं आपको बस ये एक थोड़ा सा यहाँ का ओवरव्यू दिखा देती हूँ। ये देखिए आप छोटे छोटे से, जनरली हर जब हम इंडिया जाते हैं तो बहुत सारे गिफ्ट्स यहीं से लेके जाते हैं। ये देख सकते हो कि नेल फाइलर है, मैंने ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं, बट आप देख सकते हो कि यहाँ पर जितना भी फैशन का सामान है। इवन मैंने ये नोटिस किया है कि आप इंडियन जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं लाइक और इंडियन टीवी एक्टर्स होते हैं, उनके पास ज़्यादातर सामान प्राइमार्क का होता है, ये मैं आपको श्योर कह सकती हूँ। लाइक नाइट सूट ले लो, कॉस्मेटिक ले लो, और ये जैसे होता है ना इंटरनेशनल ब्रांड ऐसे दिखता है और प्राइस भी इकोनॉमिक होता है कि आप आराम से इसे अफोर्ड कर सकते हो। आप यूज़ करो, चलता भी है, ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं चलता है, चलता है कुछ दिन के लिए, और आप इसे यूज़ करो और मन तो भर जाता है, फिर आप हटा दो उसको। आपको सारी एसेसरीज़ यहाँ पे आराम से मिल जाएंगी। और मैंने यहाँ पे अपनी बेटी के लिए रैबिट वाला शू लिया था, आप आई थिंक आपने कहीं देखा भी होगा, उसे मैं आपको ज़रूर शो करूँगी, बहुत प्यारा था वो। और मैंने अपने लिए हेयरबैंड लिया था और मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं लेने के लिए। हाँ क्रिसमस स्टफ़ आ चुका था तो मैंने सोचा क्रिसमस स्टफ़ मैं क्रिसमस के आसपास ही लूँगी। सो बस ये ऐसा दिन था मेरा वहाँ। तो बस दोस्तों अब हमारा पूरा दिन निकल चुका था। आई थिंक यस इट वॉज 4 o'clock जब हम निकल चुके थे अपने घर के लिए, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट 3 hours लग जाता घर पहुँचते बिकॉज मैंने बताया था ऑलरेडी कि फुल डे रेन था, आप देख सकते हो ड्रिजलिंग हो रही है। बट यार आपको मैं बताऊँ, जब हम वापस गए तो इतना प्यारा वेदर था कि मैंने आपके लिए बहुत लंबी रिकॉर्डिंग करी है और आप इसे इंजॉय करोगे, मैं पक्का इसे डालने वाली हूँ फुल रूट और म्यूज़िक के साथ में, आपको मज़ा आ जाएगी। और सच बताऊँ क्योंकि इस टाइम ऑटम चल रहा है, लीव्स, कलरफुल लीव्स, कलरफुल ट्रीज़, और वेदर इतना ऑसम था, ब्लू स्काई एंड ऊपर से ड्रिजलिंग, सो मज़ा आ गया था। तो आप बस इंजॉय करते हैं। We'll be right back.
सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन हमारे जाने का टाइम हो गया है। आई होप आपको ये लॉन्ग ड्राइव मेरे साथ विद सॉन्ग्स पसंद आई होगी। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि यूके में हम अराउंड 4 ईयर्स से हैं, बट स्टिल मेरी बेटी को हिंदी में बात करना बहुत पसंद है। वो क्रेज़ी है हिंदी टॉक्स के लिए। उसका एक चैनल इंग्लिश का है, वो हमेशा मुझे हिंदी चैनल खोलने को बोलती थी। शायद मैंने उसके लिए ये चैनल खोला है, और वो मेरे चैनल पे भी आना चाहती है और हिंदी में बात करना चाहती है। सो उसका उसे कुछ बोलना है आपसे हिंदी में, सो सुनिए उसे। तो गाइस, आई होप आप इस वीडियो को लाइक करें, तो प्लीज मेरे मम्मा के चैनल #zindagi को सब्सक्राइब करिए और उस बेल आइकन को क्लिक करके, अगर आप क्लिक करोगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे जब भी वो एक नया वीडियो पोस्ट करेगी। और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए।